ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। अब लगता है शायद एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंजरीज का दौर शुरू हो चुका है, जहां पर शामिल हो चुके हैं सेथ रॉलिंस, बैकी लिंच, एजे स्टाइल्स, इसके अलावा साशा बैंक्स। आज के इस एपिसोड में हम इन सभी सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं और उनमें से कुछ तो यहां पर काफी सीरियस भी इंजर्ड हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर फैंस ने बता दें कि कौन से मैच होना चाहिए रेसलमेनिया का मेन इवेंट, और ब्रे वायट को लेकर क्या सिचुएशन है, और आखिर क्यों अभी तक वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर देखने को नहीं मिल रहे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट के बारे में। दो मैचेस यहां पर सामने आ रहे हैं। पहला मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच है, फिर दूसरा मैच बैकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी के बीच। तो यहां पर कौन सा मैच करेगा रेसलमेनिया 35 को मेन इवेंट, तो इसे जानने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक पोल क्रिएट किया, जहां उन्होंने एक तरफ रखा ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच को, वहीं दूसरी तरफ रखा रोंडा राउजी वर्सेस बैकी लिंच के बीच मैच को। और यहां पर गेस वोट फैंस ने क्या वोट किया है, 82% फिलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करना, तो यहां पर 82% फैंस का यहां पर यह मानना है कि रेसलमेनिया 35 को हेडलाइन करना चाहिए वुमेन्स मैच, जो कि होगा बैकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी के बीच। और इसके सामने ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो काफी हमें छोटा देखने को मिलता है अगर बात करें वोट्स की। तो ऐसे में यहां पर फैंस ने अपना जो माइंड है वो क्लियर कर दिया, डब्ल्यूडब्ल्यूई को बता दिया है कि हमें इस बार चाहिए रोंडा राउजी वर्सेस बैकी लिंच का मैच मेन इवेंट में। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोग भी ऐसे सोचते हैं, और क्या इस बार रोंडा राउजी वर्सेस बैकी लिंच का मैच करना चाहिए मेन इवेंट रेसलमेनिया 35 को। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ी है ब्रे वायट से। ब्रे वायट के बारे में आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वो पूरी तरह से फिट है, एकदम हेल्दी है, उनके साथ कोई भी इंजरी वाला एंगल नहीं है, वो किसी भी तरह से हर्ट नहीं है, वो पूरी तरीके से फिट हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों अभी तक हमें ब्रे वायट डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर देखने को नहीं मिले। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं, और वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अभी क्रिएटिव प्लान्स नहीं है ब्रे वायट को लेकर। मतलब हो सकता है अगले रॉ के एपिसोड में ब्रे वायट आ जाए, अगले स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में आ जाए, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास आ जाते हैं प्लान्स ब्रे वायट के लिए, लेकिन यहां पर उनके लिए कोई प्लान नहीं, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को सही मौका नहीं लग रहा। तो हमें वेट करना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव प्लान्स का, और उसके बाद जाकर हमें ब्रे वायट या तो रॉ के एपिसोड में या फिर स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में किसी तरह से बुक होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की इंजरी को लेकर, जो कि आज हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है, और शुरुआत करते हैं साशा बैंक्स से। तो रॉयल रंबल में जो मैच था वहां पर हल्की फुल्की इंजरी थी साशा बैंक्स को, लेकिन अब यहां पर उनके साथ जो बातें एकदम बिल्कुल हम कह सकते हैं काफी अच्छी हैं, और जो अपकमिंग उनका मैच होने वाला रॉ के एपिसोड में बेली के साथ, जहां पर टैग टीम मैच में काम करेंगी, उसके लिए साशा बैंक्स पूरी तरह से क्लियर है। वहीं बात करें एजे स्टाइल्स की, तो उनको लेकर भी यहां पर ऐसी अपडेट्स है कि उनको भी थोड़ी बहुत इंजरीज हुई थी, और इसके चलते उन्होंने लाइव इवेंट में काम भी नहीं किया जो रिसेंटली स्मैकडाउन लाइव का था, और यहां पर इससे बात आ रही थी कि क्या वो इंजरी ज्यादा सीरियस तो नहीं है। लेकिन यहां पर खुशी की बात यह है एजे स्टाइल्स के फैंस के लिए और एजे स्टाइल्स के लिए भी कि अगली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड के लिए पूरी तरह से फिट है, और हो सकता है हमें वो किसी मैच में या फिर फिजिकल एक्शन में भी देखने को मिल जाए। जो मैन बैकी लिंच के बारे में बात करें, तो उनको भी आप लोग देख रहे होंगे कैसे वो हमें इंजर्ड देखने को मिल रही है, लेकिन ये सभी एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, वो अपनी इंजरी को सेल कर रही है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं बैकी लिंच के साथ। और हालांकि जो लाइव इवेंट थे वहां पर हमें बैकी लिंच देखने को नहीं मिली, लेकिन जो न्यू अपडेट्स आ रही है उनका कहना यहां पर है कि बैकी लिंच पूरी तरह से फिट है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जस्ट एक तरह से वर्क है, एक स्टोरी लाइन का पार्ट है रोंडा राउजी एंड बैकी लिंच के बीच, और बैकी लिंच पूरी तरह से फिट है, और रेसलमेनिया के मैच को तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जो सबसे सीरियस इशू है यहां पर वो है सेथ रॉलिंस के साथ। तो सेथ रॉलिंस को लेकर यहां पर ये अपडेट्स हैं कि उनको हो गई है इंजरी, अभी एग्जैक्टली वो इंजरी क्या है ये सामने नहीं आई है, इसके बारे में ज्यादा कोई अपडेट है नहीं। लेकिन यहां पर जो अपडेट है वो ये कि लगभग एक महीने तक सेथ रॉलिंस हमें आउट ऑफ एक्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 35 का जो मैच है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए उसको डेंजर में नहीं डालना चाहती है, और अगर सेथ रॉलिंस ज्यादा कोई फिजिकल हमें देखने को मिल जाते हैं और कहीं से रेसलमेनिया 35 का मैच खराब हो गया, तो इससे ज्यादा बुरी बात कोई भी नहीं हो सकती। तो इसके चलते ऐसा हो सकता है कि हमें सेथ रॉलिंस आने वाले एक महीने तक फिजिकल एक्शन में देखने को ना मिले, बल्कि इसके बजाय डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर सकती है, वो ये कर सकती है कि सेथ रॉलिंस के सिर्फ हमें प्रोमो टाइप सेगमेंट देखने को मिल सकते हैं। और आपको बता दो अपडेट्स तो यहां पर ऐसी भी आ रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट रॉ का एपिसोड हमें सेथ रॉलिंस मिस करते हुए दिखाई दे। हालांकि मुझे लगता है यहां पर सेथ रॉलिंस से अगला रॉ का एपिसोड मिस करवाने का ज्यादा कोई सेंस बनेगा, क्योंकि इस समय वो मोमेंटम पर है, और एक रॉ का एपिसोड मिस होना सेथ रॉलिंस का कहीं ना कहीं उनके मोमेंटम को पूरी तरह से तोड़ देगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस को बुक तो करना चाहिए, भले प्रोमो सेगमेंट बुक करो या फिर कैसे भी, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहते कि उनके मोमेंटम को तोड़ा जाए। और वैसे भी हर बार फिजिकल एक्शन में आना रेसलमेनिया 35 के मैच को भी डेंजर में डाल सकता है, बट फिलहाल के लिए यहां पर ये अपडेट्स हैं कि सेथ रॉलिंस के साथ यहां पर कुछ इश्यूज हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई अब उन्हें थोड़ा सेफ रखकर चलने वाली है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की इंजरीज को लेकर, और आप लोग क्या चाहते हैं रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट में कौन सा मैच जाना चाहिए। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स, न्यूज़, रिमर्स और काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।